बहुत सुंदर। जी, आभार आप सभी का। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि युगल आदरणीय ऋषभदेव शर्मा जी और पूर्णिमा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। तो मैं ऋषभदेव शर्मा जी के लिए चार लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। वे मेरे मैंने उनसे विधिवत शिक्षा तो प्राप्त नहीं की है, लेकिन जब से मैं हैदराबाद आई हूँ और उनसे मेरा संपर्क और मेरा परिचय हुआ है, तब से मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। तो अरे मैं बहुत इस बहुत दृष्टि आशीर्वाद से आपके। उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ और मेरे गुरु तुल्य आदरणीय ऋषभदेव शर्मा जी को इन शब्दों के साथ आह्वान करती हूँ कि कवि कहूँ या साहित्यकार कहूँ, कवि कहूँ या साहित्यकार कहूँ, समीक्षक कहूँ या तेवरी के प्रवर्तक, समीक्षक कहूँ या तेवरी के प्रवर्तक, संपादक कहूँ या ब्लॉगर कहूँ, संपादक कहूँ या समीक्षक कहूँ, एक वाक्य में कहूँ तो चलता फिरता विश्वविद्यालय कहूँ, एक वाक्य वाह में कहूँ वाह या वाह 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 महाविद्यालय वाह, बहुत सुंदर, वाह क्या कहने, इन्हीं क्या शब्दों कहने, का बहुत बहुत स्वागत सुंदर, है सर आपका, बहुत 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 स्वागत सुंदर है। परिचय आदरणीय ऋषभ जी का, बहुत स्वागत है। तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, और उनका जो है व्यक्तित्व इतना विस्तृत है, हिंदी सेवा और हिंदी भाषा साहित्य की जो है समृद्धि के विकास में वो लगातार लगे हुए हैं। तो ठीक मैं है उनसे सरिता जी, मुझे संकोच में मत डालिए, जी नहीं सर, यहाँ मैं जो है हिंदी वही कह रही कविता हूँ जी। के दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, इन सब के सामने मैं बहुत बौना और बहुत छुटा हूँ। और अरे अभी नहीं आदरणीय अबोध जी ने, रूबी जी ने हिंदी के भावनात्मक पक्ष से लेकर के और रोजगार परक पक्ष तक सब एक कुछ तरह रख से दिया है, सब कुछ कह दिया है। सब कुछ सामने रख दिया मैं है। थोड़ा सा विषय को आगे ले जाऊंगा और सीमित समय में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। स्वागत है, आदरणीय वाजपेयी जी को समर्पित करता हूँ कुछ स्वागत पंक्तियां। स्वागत कि जब स्वागत है जी। नसों में पीढ़ियों की हिम समाता है, राजेंद्र जी, जी सर, जब नसों में पीढ़ियों की हिम समाता है, शब्द ऐसे ही समय तो काम आता है। वाह वाह, जब नसों में पीढ़ियों की हिम समाता है, शब्द ऐसे ही समय तो काम आता है, और बर्फ पिघलाना जरूरी हो गया, क्योंकि बर्फ पिघलाना जरूरी हो गया क्योंकि चेतना की हर नदी पर्वत दबाता है। बर्फ वाह वाह, पिघलाना जरूरी हो गया क्योंकि चेतना की हर नदी पर्वत दबाता है, बोल रही है। और बालियों पर अब उगेंगे धूप के अक्षर, क्या बात बालियों पर है, अब उगेंगे हिंदी का भविष्य, बालियों पर अब उगेंगे धूप के अक्षर, सूर्य का अंकुर धरा में कुल बुलाता है, सूर्य का वाह अंकुर धरा में कुल वाह बुलाता है, वाह, क्या जब पंक्ति नसों दी में आपने, वाह पीढ़ियों की हिम समाता है, शब्द ऐसे ही समय तो काम आता है। बहुत ही गंभीर हमारा ये आज का जो मंच है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके तो नाम को सुनकर के भी हमारे जैसे बिल्कुल जिसे अलार्म कहते हैं कि मंचों के पीछे रहने वाले लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो जी, खैर, मैं सम्मान पूर्वक एक कविता दे रहा हूं। शीर्षक है, घर स्वागत स्वागत सर। बसे हैं कि तोड़ने की साजिशें हैं हर तरफ, तोड़ने की साजिशें हैं हर तरफ, है बहुत अचरज कि फिर भी घर बसे हैं, तोड़ने की साजिशें बहुत हैं हर अच्छा, तरफ, वाह वाह वाह, है बहुत अचरज कि फिर भी घर बसे हैं, घर बचे हैं, घर बसे हैं, घर बचे हैं। और अंश वाह देखें कि भीत ओटे जो खड़े करते रहे पीढ़ियों से हम,
ईंट बूटे जो खड़े करते रहे, पीढ़ियों से हम तानते तंबू रहे, और सुरक्षा के लिए चिक डालते एक अपनापन, छतों सा छतरियों सा शीश पर धारे युगों से चल रहे, झोपड़ी में छप्परों में जिन दियों की टिमटिमाती रोशनी में जन्म से सपने हमारे पल रहे, लाख झंझा सौ झकोरे आंधियां तूफान कितने टूटते हैं रोज उन पर पश्चिमी नभ से उमड़ कर, लाख झंझा सौ झकोरे आंधियां तूफान कितने टूटते हैं रोज उन पर पश्चिमी नभ से उमड़ कर, दानवों के दंश कितने तृणावर्तों में हंसे हैं, ऐ बहुत अचरज के फिर भी घर बसे हैं, घर बसे हैं, ऐ वाह 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 कि फिर भी घर बसे हैं, घर घर बसे हैं। दूसरा अंश देखें, थोड़ा सा चुनौती का स्वर, कि घर नहीं दीवार ओटे, घर नहीं दीवार ओटे, घर नहीं तंबू, घर नहीं घूंघट, घर नहीं छत, घर न छतरी, झोपड़ी भी घर नहीं है, घर नहीं छप्पर, क्या बात, तोड़ दो दीवार ओटे, कोई समस्या नहीं, तोड़ दो दीवार ओटे, फाड़ दो तंबू, जला दो घूंघटों को, छत गिरा दो, छीन लो छतरी, मटिया मेट कर दो झोंपड़ी भी, छप्परों को उड़ा ले जाओ भले, तोड़ दो दीवार ऊटे, फाड़ दो तंबू, जला दो घूंघटों को, छत गिरा दो, छीन लो छतरी, मटिया मेट कर दो झोंपड़ी भी, छप्परों को उड़ा ले जाओ भले, अबोध जी घोंसले उजड़े भले ही घर नहीं ऐसे, घोंसले उजड़े भले ही घर नहीं ऐसे उजड़ते, कि अक्षय वटों जैसे हमारे घर हमारे अस्तित्व में गहरे फंसे हैं, घोंसले उजड़े भले ही घर नहीं ऐसे उजड़ते, अक्षय वटों जैसे हमारे घर हमारे अस्तित्व में गहरे फंसे हैं, है नहीं अचरज, है नहीं अचरज कि अब भी घर बसे हैं, घर बचे हैं, है नहीं अचरज कि अब भी घर बसे हैं, घर बचे हैं। और तीसरा अंश जो अंतिम अंश है और मेरे मन के बड़े नजदीक है, आप सबको समर्पित, सब जोड़ी के साथ बैठे हैं ना, ये भी घर, तो घर अड़िग विश्वास, यहाँ परिभाषा की है कि घर अड़िग विश्वास निश्चल स्नेह है घर, घर अड़िग विश्वास निश्चल स्नेह है घर, दादियों और नानियों की आंख में तैरते सपने हमारे घर, घर अड़िग विश्वास निश्चल स्नेह है घर, और दादियों और नानियों की आंख में तैरते सपने हमारे घर, घर पिता का है पसीना, घर बहन की राखियां, घर पिता का है पसीना, घर बहन की राखियां हैं, भाइयों की बांह पर ये घर खड़े हैं, पत्नियों की मांग में ये घर जड़े हैं, भाइयों की बांह पर ये घर खड़े हैं, पत्नियों की मांग में ये घर जड़े हैं, घर अड़िग विश्वास निश्चल स्नेह है घर, और दादियों और नानियों की आंख में तैरते सपने हमारे घर, घर पिता का है पसीना, घर बहन की राखियां हैं, भाइयों की बांह पर ये घर खड़े हैं, पत्नियों की मांग में ये घर जड़े हैं, आपसी सद्भाव कहे, आपसी सद्भाव माँ की मुट्ठियों में घर कसे हैं, आपसी सद्भाव माँ की मुट्ठियों में घर कसे हैं, क्यों भला चर, क्यों भला अचरज कि अब भी घर बसे, अब तक घर बसे हैं, घर बचे हैं, क्यों भला अचरज कि तोड़ने की साजिशें हैं हर तरफ, है बहुत अचरज कि फिर भी घर बसे हैं, घर बचे हैं, और आपसी सद्भाव माँ की मुट्ठियों में
घर कसे हैं क्यों भला चिरंत कि अब तक घर बसे हैं घर बचे हैं। मुझे यह अवसर दिया इसके लिए सरिता जी का और कुमार का मैं बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल तेवरी के तेवर लिए हुए आपके तेवर दिखाई दे रहे थे आपकी आपके काव्य पाठ में। तो इसके अलावा मेरी दृष्टता होगी कुछ भी कहना एक बहुत तो वो बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अलग अंदाजे बयां आपका था उसके लिए पुनः एक बार हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आदरणीय पूर्णिमा जी को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि मधुर मधुर मुस्कान है जिनकी मधुर मधुर मुस्कान है जिनकी अनेक पुस्तकों की रचनाकार लाजवाब कवित्री हैं लाजवाब कवित्री और प्राध्यापिका हैं और उत्कृष्ट कोटि की हैं साहित्यकार उत्कृष्ट कोटि की हैं साहित्यकार। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत स्वागत है आदरणीय पूर्णिमा जी सभी कवि युगलों को मेरा सादर नमस्कार और विशेष रूप से सरिता सुराणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैं बहुत ही कम प्रोग्रामों में जाती हूँ और जुड़ती हूँ जी मुझे लेकिन पता है। आपने कहा तो मुझे थोड़ा संकोच होता है हमेशा से जी तो लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी उपस्थित कवि युगलों को सभी श्रोतागणों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी बस। पहली कविता का शीर्षक है विरासत। ओ मेरी भाषा तुझसे ही प्रकाशित होती है मेरी सारी दुनिया। ओ मेरी भाषा तुझसे ही प्रकाशित होती है मेरी सारी दुनिया। तेरे बिना गूंगे थे सारे रिश्ते तेरे बिना गूंगे थे सारे रिश्ते। तूने ही तो संबंधों का संसार दिया मेरी अस्मिता का पर्याय है तू। संवाद मेरी अस्मिता का पर्याय है तू। तूने मुझे जगत से जोड़ दिया मेरी अस्मिता का पर्याय है तू। तूने मुझे जगत से जोड़ दिया। मेरे बच्चों सौंपती हूँ मैं तुम्हें संवाद का यह जलता दिया। मेरे बच्चों सौंपती हूँ मैं तुम्हें संवाद का यह जलता दिया। यह मेरी भाषा है इसे बचाकर रखना इसे बचाकर रखना। दूसरी कविता है बहुत बहुत धन्यवाद बादल। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे एक परिचित मित्र परिवार है वो घर आया तो बहुत बारिश हो रही है इस वक्त हैदराबाद में इस बार कभी इतनी नहीं हुई। वैसे ही बात कर रहे थे कि भाई इस बार तो बहुत ही बारिश है हैदराबाद में इस बार तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी तो क्योंकि यहाँ पे अक्सर पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में। तो बोले कि बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन किसी जानकार ने उन्हें बताया कि पानी जो है धरती में नहीं जा रहा है सारा पानी बह जाता है धरती में बिल्कुल नहीं जाता धरती सूखी है। तो तभी उसी उसी के ऊपर ये कविता है बादल का दुख। बादल बहुत दुखी है आजकल बादल बहुत दुखी है आजकल। पहले थोड़ा भी बरसते थे तो पुलक पुलक जाती थी धरती। पहले थोड़ा भी बरसते थे तो पुलक पुलक जाती थी धरती। अब पूरे रीत जाते हैं पर धरती हरियाती नहीं। अब पूरे रीत जाते हैं पर धरती हरियाती नहीं। बहुत दुखी है बादल आजकल। जाना चाहते हैं अलकापुरी को लेकर यक्ष का आंसू भरा संदेश। जाना चाहते हैं अलकापुरी को लेकर यक्ष का आंसू भरा संदेश। पर आवारा हवाएं धकिया देती हैं पर आवारा हवाएं धकिया देती हैं किसी और दिशा में यक्षिणी ताकती रह जाती है। तूने आसमान को
खाली खाली आंखों से यक्षिणी ताकती रह जाती है सूने आसमान को खाली खाली निगाहों से। यक्ष की चिट्ठी उड़ जाती है, यक्ष की चिट्ठी उड़ जाती है काले को किसी दूसरे देश को। मरती जाती है मिलन की आस तिल तिल पल पल। बहुत दुखी है बादल आजकल, बहुत दुखी है बादल आजकल। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रतीकात्मक कविताएं आपकी पूर्णिमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सुंदर रहा यही काव्य पाठ, और बिल्कुल सही कहा, वन वीक से तो लगातार इतनी बारिश हो रही है कि सूर्य के दर्शन भी, मैं जैसे ही राजस्थान से आई और थोड़ी यहाँ भेज दीजिए दिल्ली महाराष्ट्र और तेलंगाना गर्मी है, हम लोग ऐसी हालत हो गई थी कि पिटूने लगे थे ऐसे में, और जब नीचे उतरी है तो बारिश लगातार आ ही रही थी, तो घर पहुंचते पहुंचते भी हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। और राजस्थान में 3 दिन 4 दिन रही, वहाँ बारिश इतनी नहीं थी, अच्छा साफ मौसम था तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, यहाँ आते ही फिर सर्दी वही जुकाम खांसी वही सब हो गया। तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि पानी जो है जहाँ जाना चाहिए धरती के अंदर वो नहीं जा रहा है, सड़क पे बह करके नालों में जा रहा है, तो उसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो अभी हमारे साथ में आदरणीय सरिता कुमार जी, आदरणीय आर्या झा जी, तृप्ति मिश्रा जी और भी बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, लगातार बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं और सभी आपके काव्य पाठ को जो है बहुत सराह रहे हैं, इसके लिए